मुझे आज भी याद है कि 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया तो जिस ग्रुप में मैं संगति करता था वो हर हफ्ते 3 दिन रात के रोजे रखते थे। एक हफ्ते में, हर एक हफ्ते में सोमवार से लेके संडे से लेके सैटरडे तक, सोम से संडे तक 7 दिन में 3 रोजे दिन रात के, डे डे के तो होते ही थे ना, वो तो मिस ही नहीं होते थे, लेकिन दिन रात के भी होते थे। हर हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं। मेरी लाइफ के जो पहला साल, दूसरा साल टोटल रोजों में निकला है, सिर्फ रोजों में निकला है। मैंने कम खाया होगा, रोजे ज्यादा रखे होंगे। मुझे ओवर रोजे रखने के कारण मेरे पेट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई थी, लेकिन यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो परमेश्वर ने वो सारा कुछ कवर भी कर दिया, लेकिन जो सामर्थ्य का नींव, जो फाउंडेशन 2004 और 5 में पड़ी थी, उसका असर आज दुनिया देख रही। बाइबल का वचन इतना क्लियर और सख्त है और इतना शानदार है कि क्या कहने, मैं आपको बताता हूं। वचन कहता है कि एसाव याकूब दो जुड़वा भाई थे, और बाइबल कहती है एसाव जब आया तो अपने भाई को उसने दाल पकाते हुए देखा। कहता है दाल मुझे चाहिए, कहता है दाल तुझे दे दूंगा, लेकिन तू बड़ा है, जुड़वा थे पहले वो आया था। कहता तू बड़ा है तो तू ऐसा कर, अपने बड़े होने का पद मुझे बेच दे। याकूब ने कहा तू बड़ा है तो अपना पद मुझे दे दे, मैं दाल तुझे दे दूंगा। और वचन कहता है कि एक बार के भोजन के बदले में उसने अपने बड़े होने के पद को बेच दिया, और जब आशीष पाने के लिए निकला अपने बाप से, क्योंकि बड़ों को ज्यादा आशीष मिलती थी पहलौठों को, तो लिखा वो आशीष पाने के योग्य नहीं ठहरा। आंसू बहाने पर भी, तौबा करने पर भी उसे कोई भी आशीष नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने शरीर को फॉलो किया था। जो लोग शरीर को फॉलो करते हैं वो आशीष पाने के योग्य नहीं है। वचन कहता है कि अगर आप व्यभिचार में गिर गए, अगर आप पाप में गिर गए, अगर आप चोरी में गिर गए, तो आप सेवा करने के भी काबिल नहीं हैं उच्च पद की। वचन तो इतना गहरा है वचन। तो शैतान लोगों को नाकामयाब कैसे करता है? उनको शरीर के पीछे लगाता है, उनको पाप के पीछे लगाता है, डर के पीछे लगाता है, लोभ के पीछे लगाता है, लालच के पीछे, घमंड के पीछे, व्यभिचार के पीछे। और रोजे क्या, उपवास क्या करता है? जब आप उपवास करते हैं, उपवास आपके शारीरिक, जो आपका बॉस बन गया शरीर, अगर शरीर ने कह दिया कि रात को आपको मोबाइल देखना ही देखना है, गंदी फिल्म देखनी ही देखनी है, तो आप उसको करते हैं, क्योंकि आपका शरीर भारा है, आपकी स्पिरिट हल्की है, आपका बॉस आपका शरीर है। और इसीलिए जब आत्मिक कामों में आप जाते हैं, जब आपको एक ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है, जब आपको एक हीलिंग की जरूरत होती है, जब आपको परमेश्वर का हाथ चाहिए होता है, तब क्या होता है? तब आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मिक जो जिंदगी है वो कमजोर है, और जब आपको जरूरत होती है आप कुछ कर नहीं पाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु से कहो खुदावन मैं अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार चलूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दूसरा तिमुथियुस 2 उसकी 20-22 आयत, उसमें लिखा है बड़े घर में ना तो केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर ने कहा बड़े घर में सिर्फ सोने और चांदी के ही नहीं, काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। अब आपके घर में बहुत से बर्तन हैं। एक आपके घर में गिलास है आपकी रसोई घर में, जिससे आप पानी पीते हैं, प्लेट पड़ी है जिससे आप खाना खाते हैं,
एक बाल्टी ऐसी पड़ी होगी, वाटर कूलर पड़ा होगा जहां आप पानी स्टोर करके रखते हैं, उससे पानी पीते हैं, और एक कहीं नुक्कर में रसोई घर में एक कूड़ेदान का बर्तन भी पड़ा होगा जहां हर तरह का कूड़ा, खराब वस्तु, खराब खाना, बिगड़ा हुआ खाना आप उस कूड़ेदान में डालते हैं। वचन क्या कहता है कि वो कूड़ेदान का जो बर्तन है वो भी उसी घर का है, और जो आदर का बर्तन है जो स्वामी के मुंह से लगता है वो भी उसी घर का बर्तन है। तो परमेश्वर ने कहा कि लोग है तो मेरे विश्वासी, है तो मेरे बच्चे, है तो मेरे ही घर के बर्तन, पर कोई तो आदर का बर्तन है और कोई निरादर का बर्तन है। और लिखा जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, किन से? व्यभिचार से, पाप से, शरीर के कामों से, निंदा से, चुगली से, विश्वासघात, माता पिता की आज्ञाओं को ना मानना, ढीठ, घमंडी, लड़ने वाले, गालियां निकालने वाले। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इन चीजों से अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे तो तुम अनादर के बर्तन ठहरोगे, और अगर तुम अपने आप को इन चीजों से शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। अगर तुम आदर के बर्तन ठहरोगे तो स्वामी के काम आओगे, अगर तुम स्वामी के काम आओगे, उसके मुंह से लगाए जाओगे, तुम्हारी आशीषें अलग होंगी, तुम्हारी आशीषें दूसरों के जैसी नहीं होंगी, क्योंकि तुम आदर के बर्तन हो। लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगे मारने वाला, अभिमानी, निंदक, जिसे अपना ही स्वार्थ है, जो हर काम अपने ही फायदे के लिए करता है, लोभी है, लालची है, हर चीज को बेचना आता है उसे, डींग मार, वो चर्च में गए थे, अच्छा ठीक नहीं हुए, आ जाओ मेरी चर्च में, डींगे मारनी। खुदावंद का आत्मा यहां आपको हील करता है, मैं नहीं, आप गवाह होंगे और आप गवाह हैं, लंगड़े चलाए जाते हैं और कोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि अगर चंगियाई चाहिए तो सिर्फ मेरी चर्च में आओ। यह निशानी है कि वो पास तक गिर चुका है और वचन में नहीं। अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतगण यानी विश्वास, थैंक्स गिविंग ना करना, ऐसे दो तरह के लोग होते हैं, प्रभु के सामने कृतगण, लोगों के सामने कृतगण। प्रभु जो मर्जी कर दे उसका थैंक्स नहीं करते, अगली डिमांड, उसके अगली डिमांड, जो प्रभु ने पीछे किया उसका कोई थैंक्स नहीं, अगली डिमांड, उससे अगली, उससे अगली, उनको कृतगण बोलते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं, आप अगर उनके लिए कुछ करेंगे बोलेगे ले मैं तो इनका वर्कर हूं, ये तो इनका फर्ज बनता था करना। मैंने लाइफ में वर्कर देखे 30-30 साल से काम करते हुए, सेम सैलरी, धीरे धीरे सैलरी बढ़ रही है कछुए की चाल से, और कोई हेल्प नहीं की। मैंने देखे हैं वर्कर लोगों के घरों में काम करते, लोगों की जिंदगियों में काम करते हुए, तो उसने कहा जब तुम्हारी हेल्प हो, जब तुम्हें कुछ मिले तो उसका थैंक्स करो, वो इंसान हो या परमेश्वर। अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, प्रभु के नहीं सुख विलास के चाहने वाले, भक्ति का भेष धरेंगे पर शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। परमेश्वर ने कहा यदि तुम अपने आप को इनसे शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। पौलुस को देखो, कई बार हम दुखों से निराश हो जाते हैं, परमेश्वर ये दुख क्यों आया, ये दुख क्यों है, 2004, 5, 2006, 2007, 8, 9 तक, 10 तक मैं हमेशा परमेश्वर के सामने कंप्लेंट ही करता रहता था, खुदावन ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, सेवा में आने के बाद भी ये दिक्कत क्यों नहीं खत्म हो रही, ये मेरी लाइफ से क्यों नहीं जा रहा, ये संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो रहा। आज हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, अगर हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, उन 13-12 जितनी भी 13 पत्रियां हैं, तो पौलुस की पत्रियों को पढ़ते पढ़ते हमें ये समझ आती है कि पौलुस ने अपनी 13 पत्रियों में एक ही बात की है, तुम्हारे करैक्टर को किस तरह से मजबूत रखना है, क्योंकि शैतान तुम्हारे करैक्टर को खत्म करके ही तुम्हारी लाइफ में काम करता है। और पौलुस ने कहां से ये पत्रियां लिखी हैं, जेल में से। जेल कैसे गया, सुसमाचार के लिए, अपने पाप के लिए जेल नहीं गया वो। लोग अपने पापों के लिए जेल जाते और बोलते कि मैं प्रभु के लिए जा रहा हूं,
लेकिन बाइबल कहती वो खुदावंद के कामों के लिए लोग उससे जेलसी करते थे, वो जेल में गया। जेल में गया तो एक आम इंसान सोच सकता है कि अगर ये परमेश्वर का दास है तो फिर जेल में क्यों गया, फिर प्रभु इसको बाहर क्यों नहीं निकालता। लेकिन वचन में क्या लिखा है, वचन में लिखा है कि जब वो जेल में गया तो वो सारी पत्रियां उसने जेल के अंदर से लिखी। प्रभु को मालूम था पत्रस की इतनी पत्रियां क्यों नहीं, क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि पत्रस बाहर से विकाई में था और हर टाइम बिजी रहता था, कभी वहां कभी वहां कभी वहां मीटिंग है, कभी उन वो विश्वासियों के पास, कभी उस कलीसिया के पास। उसकी केवल दो पत्रियां बाइबल में है, पहला पत्रस और दूसरा पत्रस। अब जब सेवकाई में कोई तो चाहिए जो इस लेवल का हो, जो पत्रस के लेवल का हो, जो यूहन्ना के याकूब के लेवल का हो, उसी की पत्रियां काम आएंगी। छोटे लेवल का कोई लिखेगा तो उसकी पत्रियों में वो बात नहीं होगी, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं होगी। तो परमेश्वर जानता कि पौलुस एक ऐसा जन है जो उस लेवल का प्रेरित है, और वचन क्या कहता है, वो जेल में गया और उसने पत्रियां को लिखा। परमेश्वर का उसको जेल में डालने का रीजन ये था कि आने वाले समय में इतनी सेवकाई का असर पत्रस का नहीं हुआ जितना पौलुस का हुआ। आज हम किसकी पत्रियों को पढ़ के अपने करेक्टर को सही रखते हैं, पौलुस की पत्रियों को पढ़ के, हाँ या ना? पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं आप, तिमुथियुस पढ़ो जहां उसने लिखा है अपने स्पिरिचुअल सन को, उसने कहा मैं अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को लिखता हूं, ये करना है ये करना है ये करना है। दूसरा तिमुथियुस करेक्टर के बारे में, कुलस्सियों करेक्टर के बारे में, थिस्सलुनीकियों करेक्टर के बारे में, तीतुस की पत्री, फिलेमोन की पत्री, अगर आप इन पत्रियों को पढ़ेंगे आपको करेक्टर नजर आएगा कि पौलुस ने करेक्टर के विषय में बहुत सी बातें की हैं। हालेलुया। लेकिन कैसे की, बाइबल कहती है हर एक चीज मिलकर भलाई को पैदा करती है जो प्रभु यीशु से प्यार करते हैं। उसने अपने आप को पवित्र रखा, फास्टिंग में रखा, प्रेयर में रखा, और जेल से पत्रियां लिखी जो आज तक हम पढ़ के आशीष पा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर एक दुख के लिए जो खुदा की मर्जी से आया मैं खुदा का थैंक्स करता हूं। ऊंची आवाज में बात करो, थैंक्स करो ऊंची आवाज में। और पिता मैं विश्वास करता हूं कि आप कुछ बड़ा करेंगे उन्हीं दुखों के बीच से, यीशु के नाम में। अब हम फास्टिंग क्यों करते हैं? जब शरीर आपका स्वामी है, आज आपको रोजा रखना है 5 बजे तक, लेकिन सुबह आपको इतनी भूख लगी छोले भटूरे देख के कि आपने अपना रोजा खोल लिया, क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। आप फैसला करके उठे, नहीं ये व्यभिचार से मैं दूर रहूंगा, लेकिन आज वो लड़की बड़े सुंदर कपड़े डाल के आई, आप अभी भी उसे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। जब आपका शरीर आपका स्वामी है तो आपकी लाइफ में वो काम नहीं हो सकते जो आपको बंधनों से मुक्त करेंगे, फ्री मैन आपको करेंगे, एक लेवल तक आपको लेके जाएंगे। आप कभी उस लेवल तक नहीं आ सकते क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। आपको मालूम है आपकी आपका मोबाइल, आपकी फेसबुक स्क्रोलिंग आपके टाइम को वेस्ट कर रही है। ये टाइम आपको प्रेयर में देना है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। आप जब फैसला कर लेते ये काम मैं नहीं करूंगा और आप प्रार्थना में चले जाते, उस तरीके से आप अपनी आत्मिक लाइफ को, अपनी आत्मा को अपने जीवन का स्वामी बना देते हैं। और वचन कहता है जो आत्मा से चलेगा वो जिएगा। आमेन। आप जानते नहीं आत्मा में रहना और प्रार्थना और उपवास में रहने से कितने बंधन टूटते हैं और कहां ये चीजें लगती हैं जाके, आपको मालूम भी नहीं। जब प्रार्थना उपवास में मैं पिछले दिनों में था तो प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर दर्शन देने लगा। ऐसे दर्शन नहीं देने लगा कि मैं कुछ मांग रहा हूं प्रभु से कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। जस्ट मैं, मेरी आदत है खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना और बैठे रहना और प्रेयर करना, और बेदारी के लिए प्रेयर करना, लोगों के लिए प्रेयर करना। मेरा अपना कोई मसला नहीं है खुदावंद के सामने। मेरे मसले चर्च के होते हैं, आपके होते हैं। आप यहाँ काउंसलिंग के लिए आते हैं, आपके केस मोबाइल पे मेरे पास आते हैं, जब उनसे हल नहीं होता डायरेक्ट मेरे पास आते हैं तो मैं लिख के भेजता हूँ, इसको ये कहना है ये कहना है, या सिर्फ ले हैंड में खड़ा करो, या इसको रोजे रखवाओ, या मुझसे मिलाओ, इसे ऑफिस भेजो। तो मेरा मसला सिर्फ आपके साथ होता है,
आप प्रभु के प्रेजेंस में होते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ को फ्रूटफुल बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। वो आपके बिजनेस के बारे में आपको दर्शन दे सकता है, आपका बेटा जो बचा नहीं है नशे करता है उसके बारे में आपसे बात कर सकता है, आपकी वाइफ के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, किसी भी बारे में वो आपसे बात कर सकता है। जो चीज कमजोर है, शैतान के हाथ में है, बंधन के नीचे है, उसके बारे में प्रभु आपसे बात करता है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि मैं अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करूंगा। जैसे आप बिजली का बिल भरने पुराने टाइम में लोग लाइन में लगते थे, पता नहीं आज लगते हैं कि नहीं लगते, ऑनलाइन हो जाता सब कुछ, लेकिन लाइन में लगते। तो आप लाइन में तो लगे हुए हो, छुटकारे की लाइन में, हीलिंग की लाइन में, लेकिन जब तक आप फास्टिंग, उपवास, प्रार्थना, तौबा, शरीर के कामों से मुक्त होकर प्रभु के सामने समर्पित आप नहीं होंगे, तब तक आप लाइन में तो हो पर आपका नंबर नहीं आएगा। लाइन में तो लगे हुए हो, चर्च तो जा रहे हो, पता सब कुछ है, प्रभु की दया भी है, लाइन में लगे ये भी एक फजल है, प्रभु को जानते ये भी एक अनुग्रह है, लेकिन रियल छुटकारा नंबर कब आएगा? जब तुम इन बातों को फॉलो करोगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और जब हम उपवास करते हैं क्या होता है? उपवास हमारे शरीर के जो बॉसपन है उसका, जो बॉसी शरीर है, जो मालिक बनता है, वो उसके मालिकियत को खत्म कर देता है। जो शरीर का प्रभाव है, पाप का प्रभाव है, गंदगी का प्रभाव है, नेगेटिविटी का प्रभाव है। मुझे आज भी याद है 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया तो शैतान मेरे पे अटैक करता था बहुत, वचन जानने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, सिर्फ एक दो तीन चार महीने ऐसा हुआ मेरे साथ। तो जब वो अटैक करता था मेरे पे कभी कभी, तो पवित्र आत्मा मुझे पता क्या बोलता था, मुंह से बोल मैंने फास्टिंग स्टार्ट कर दी, खाना 6 बजे खाया है शाम को, 7 बजे, 10 बजे है रात के अभी, लेकिन मेरे मुंह से निकलता मैंने मेरी अभी से फास्टिंग स्टार्ट। जब मैं मुंह से निकालता था, प्रार्थना में बैठता था, शैतान के अटैक कम होने लगते थे। सिर्फ मुंह से निकाला, फास्टिंग स्टार्ट है, मैं फास्टिंग से, प्रेयर से, उपवास से शैतान के ऊपर मैंने फतेह पाई। जब आप फास्टिंग करते हैं आपका जो शरीर बॉस है, उसकी जो मालिकियत है, बॉसीपन है, वो खत्म होता है। वो कम शरीर जो है उसकी जो इच्छाएं हैं वो आप देखना फास्ट रख के, खासकर जो लोग दिन रात के फास्ट में, दिन दिन के फास्ट में ये इतना प्रभावित नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। फायदा होगा, उसका फायदा होगा, प्रभु आपकी प्रेयर को सुनेगा, फास्टिंग कबूल होगी, लेकिन दिन रात के जो फास्ट हैं ये एक अलग लेवल के फास्ट है। तो जब दिन रात के फास्ट हम रखते हैं तो आपके शरीर के अंदर से जो जो कब्जा किया हुआ है शैतान ने, जो बंधन है, जो बॉन्डेजेस हैं, पाप के प्रति आपका खिंचाव है, प्रभावित है आप उससे, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप दिन रात के फास्टिंग में चले जाएं, आप देखें आपका आपकी आत्मा कैसे आपका बॉस बनती है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। कौन सी मौत के बारे में बात कर रहा है वो? वो शारीरिक मौत की बात नहीं कर रहा है इसमें, वो एक ऐसी मौत की बात कर रहा है जो आज सब घरानों में काम करती है। हस्बैंड वाइफ तो हैं लेकिन मैरिड लाइफ मरी हुई है, नाम से तो ठेकेदार है पर बिजनेस मरा हुआ है, क्योंकि वचन कहता है जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, पर अगर कहता आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। हालेलुया, कि नाम से तो पास्टर हैं पर सेवकाई मरी हुई है, कोई रिजल्ट नहीं, कोई उत्साह नहीं लोगों में, कोई अधीनगी नहीं, कोई लाइफ नहीं, कोई बोना नहीं, कोई प्रेयर नहीं। क्यों? आपको शरीर के ऊपर पास्टर को फतह पानी पड़ेगी, उसको पाप के ऊपर फतह पानी पड़ेगी, फिर वो लोगों को लीड कर सकता है। आप जब फास्टिंग करेंगे आपके शरीर के अंदर से वो जो पाप का प्रभाव है, जो हैवीपन है, जो अट्रैक्शन है, जो लालसा है, जो तलब है, वो खत्म होती है। आपकी आत्मा आपका बॉस बनती जाती है, और एक दिन में नहीं या एक साल में 6 महीने में नहीं होता, ये कॉन्टिन्यू एक प्रोसेस है। जिस तरह मौसम बदलते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिश आती है, आपकी आत्मा के जीवन में भी कई बार विश्वास में आप टॉप पे होते हैं, कई बार शैतान आपके विश्वास को हिला रहा होता है, मौसम आते हैं,
पर जब आप कंटिन्यू फास्टिंग में और प्रेयर में रहते हैं, आप हर मौसम से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर समय आता है जो वचन में लिखा है कि फिर समय आने पर मैं तुझे फल दूंगा। समय आने पर तुझे तू फल लेके आएगा, जिस तरह वचन में लिखा है भजन संहिता 1 में कि समय आने के ऊपर तेरे पत्ते तो हरे रहेंगे क्योंकि तू नदियों के किनारे लगा हुआ है, लेकिन समय आने पर फिर फल भी आएगा, गवाहियां भी आएंगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो, जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा वो आदर का बर्तन ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। तो फास्टिंग, उपवास, मसीही जिंदगी एक डिसिप्लिन वाली जिंदगी है। अगर आप मसीही हैं और आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो एक्चुअल में आप डिसाइपल नहीं, आप चेले नहीं। ये कहीं और होता होगा कि आप जाएं, जो मर्जी करें, जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पिएं, लेकिन मसीह में ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा अगर तू इनसे अपने आप को शुद्ध करेगा तो स्वामी के काम आएगा, आदर का बर्तन ठहरेगा। क्योंकि बड़े घर में आदर के बर्तन भी होते हैं और निरादर के बर्तन भी होते हैं। तू देख अपने आप को परमेश्वर के घर का आदर का बर्तन ठहराना चाहता है या निरादर का बर्तन ठहराना चाहता है। बड़े घरों में आपने सोने के बर्तन देखे होंगे, ये जी बोन चाइना का सेट लेके आए हैं जी 15,000 का, कभी कूड़ेदान लेके आए हो 20,000 का, 25 कूड़ेदान लेके आए हो कभी, 1,00,000 रुपए का कूड़ेदान लेके आए हैं जी सोने के, इसमें ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड का उसमें लाइनें लगी हुई है। आप कभी नहीं करोगे, आप कूड़ेदान लेके आओगे, बस मजबूत सा दे दो जी, कूड़ा डाले तो टूटे नहीं। लेकिन बर्तन लेके आओगे शानदार, जिससे पीने हैं, जिससे खाने हैं। काम हमारे निरादर के बर्तन वाले हैं और प्रभु से हम कहते हैं कि हमें आदर क्यों नहीं मिल रहा, मेरा बच्चा मेरा आदर क्यों नहीं करता। तुम प्रभु का आदर नहीं करते, लोग तुम्हारा आदर नहीं करते। मेरी फैमिली मेरे अधीन नहीं है जी, तुम परमेश्वर के अधीन नहीं हो इसलिए तुम्हारा परिवार तुम्हारे अधीन नहीं। मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, तुम प्रभु की बात नहीं सुनती इसलिए तुम्हारा पति तुम्हारी बात नहीं सुनता। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तुम आत्मा में कामयाब हो जाओ, शरीर में कामयाबी तुम्हारे पीछे पड़ के मिले, तुम्हें मिलेगी, बाइबल कहती है। आत्मा में कामयाब हो जाओ, शरीर में कभी भी फेल नहीं हो सकते तुम लोग, कभी भी, नेवर। वो लाइन चेंज कर देगा तुम्हारी लेकिन फेल नहीं होने देगा। हालेलुया। मसीह जिंदगी डिसिप्लिन वाली जिंदगी है। मसीह में आके भी डिसिप्लिन नहीं है। अगर उन्हीं चौकों में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ना है, अगर वैसे ही काम करने, वैसे ही मोबाइल चलाने, उन्हीं ब्लॉगर्स की तरह वैसे ही ब्लॉग बनाने और गालियां निकालनी है, अपने आप को क्रिश्चियन बोलना छोड़ दो। तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जो लोग सुनते हैं संसारिक और शारीरिक गाने। मैंने क्रिश्चियन लोगों की शादियों में बजते हुए देखे हैं गाने, शराब के गाने, कोट कोट पिला देखो, शराब के गाने क्रिश्चियन लोगों की शादियों में। इमेजिन करो कैसी बरकत परमेश्वर देगा उन्हें। सोचो जहां बरकत होनी चाहिए, जहां प्रभु की प्रेजेंस होनी चाहिए कि एक जोड़ा सदा के लिए मिल रहा है, वहां पर खुदा की अगर प्रेजेंस होगी तो उनकी लाइफ में बरकत आएगी और वहां शैतान की प्रेजेंस होती है। आप किस चीज से सुनते हैं बताओ, उस अंग का नाम क्या है बोलो? कान से? कहां है कान? ये कान नहीं, इससे नहीं सुनते आप, मालूम है कि नहीं? इससे सुनते हो आप? नहीं, इसके अंदर एयर ड्रम, इसके अंदर कान का एक पर्दा है, उससे सुनते हो आप, इससे थोड़ी सुनते हो। ये तो एक मांस का टुकड़ा है। पलवान देखे कभी ओलंपिक वाले, उनके यहां देखा क्या हुआ होता है? वो बज बज के उनके कान फट फट के मोटे हुए होते यहां से। अगर ये सुनते हैं तो जब वो मोटे हो जाते फिर वो कहां से सुनते हैं? वो तो अंदर से सुनते हैं भाई, इधर से। कान के अंदर जो होल है यहां एक, वहां अंदर आवाज जाती है, कान का पर्दा उसे रिसीव करके सिग्नल भेजता, दिमाग में जाते हैं तो आवाज आती है। ये थोड़ी सुनता है, फिर ये बनाया क्यों है?
बात तो ये है, प्रभु ने कोई चीज फालतू में तो बनाई नहीं है। अगर मैं इसे हटा दूं, आप कई लोगों का देखोगे एक्सीडेंट में कान उखड़ जाता है, उनके कान होता ही नहीं है, फिर भी वो सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बनाया क्यों है फिर ये कान? अगर आप ध्यान से देखें एक पिक्चर में, कान और स्त्री का गर्भ दोनों सेम शेप के होते हैं। इधर लेफ्ट साइड पे स्त्री का गर्भ है, यूट्रस है, जहां बच्चा होता है। बच्चा और कान दोनों सेम शेप के होते हैं। दूसरी फोटो भी है आपके पास, कान और बच्चा और स्त्री का गर्भ, पिछली फोटो दिखाओ, दोनों सेम शेप के होते हैं। परमेश्वर ने जब कान अंदर बनाया तो परमेश्वर चाहता था कि इंसान जो है इस बात को समझे कि मैंने कान का बाहरी हिस्सा वो ऐसे भी छोड़ सकता था, यहां फ्लावर बना सकता था ऐसे सुंदर करने के लिए, लेकिन उसने गर्भ की शेप को लिया और तुम्हारे कान पे चिपका दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बहुत केयरफुली डिसाइड करने के लिए बोला है कि तुम अपनी लाइफ में क्या सुनोगे और क्या नहीं सुनोगे। क्यों? जब औरत के गर्भ में बीज जाता है तो वो बच्चा पैदा करता है, और जब परमेश्वर ने कहा तुम्हारा कान जो गर्भ की शेप का है, जब इसके अंदर बीज जाएगा, वो चाहे अच्छा बीज हो चाहे बुरा बीज हो। एक चोर का जब शादी होता है तो उसके भी बच्चा होता है। एक जादू टोना तांत्रिक, एक बंदों को मारने वाला एक कातल, जब वो भी शादी करता है तो बच्चा पैदा होता है। एक धर्मी जब शादी करता है तो भी बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा अच्छा है या बुरा है ये निर्भर करता है कि कौन उसे पैदा कर रहा है। परमेश्वर ने तुम्हारे कान को गर्भ के जैसा इसलिए बनाया है कि परमेश्वर कहता है कि कान के अंदर क्या डलेगा, अच्छा या बुरा, ये तुम डिसाइड करोगे। जैसा तुम डालोगे तुम्हारी जिंदगी का फल वैसा ही होगा, अच्छा या बुरा। अब तुमने गाने डालने हैं, शराब के गाने डालने हैं, उन वो गाने डालने जिससे बीपी बढ़ जाता है, तुम शारीरिक जोश में आ जाते हो, वड देंगे टोक देंगे, तुम्हारा वो भला करने वाले नहीं है। मैं खड़दा, मैं जानदा, मैं आंदा, वो तुम्हारा भला करने वाले नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा ध्यान से देखो कि क्या सुनते हो। जब मैं चर्च में से वापिस आया करता था तो मेरी आदत ही हिंदी गाने सुनने की, तो हिंदी गाने मैं सुनता था। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया तो मैंने अपने भाई से, क्रिश्चियन भाई से पूछा, मैंने कहा क्या बेनी हिन गाने सुनता है जैसे मैं हिंदी गाने सुनता हूं, बेनी हिन भी इंग्लिश गाने सुनता है फिल्मों के? कहता नहीं यार वो नहीं सुनता होगा। मैंने कहा अगर वो नहीं सुनता होगा तो मुझे भी नहीं सुनने चाहिए। अगर मुझे प्रभु में बढ़ना है तो हिंदी गाने सुनता हूं तो मुझे मेरे अंदर वही फीलिंग्स आती हैं। तो अगर वो भी फीलिंग्स आएंगी, चर्च जब मैं जाके सॉन्ग प्रभु का सुनता हूं तो वो आत्मा वाली फीलिंग आती है, तो मुझे, मैं अपने शरीर को दो चीजों से भर नहीं सकता हूं, एक ही सोते से खारा और मीठा दोनों पानी तो नहीं निकल सकते, तो चुनाव करना पड़ेगा। उस दिन से कैसेट होती थी तब सारी फेंक दी थी, कोई गाना नहीं सुनना। और पवित्र आत्मा कैसे भरता है, जब मैं सॉन्ग सुनता था, ये सुखविंदर साथ होता था सॉन्ग 2004 से ही, 5 से ही, जब गीत गाते थे सॉन्ग सुनते थे तो वो सॉन्ग सारा हफ्ता दिमाग में बजता था, जब तक अगली मीटिंग नहीं आती थी। 3-4 दिन वो सॉन्ग बज ही जाना आत्मा में, जब तक कोई और सॉन्ग नहीं सुन लेना। तो उस वजह से पवित्र आत्मा से हम भरपूर रहते थे सब लोग जितने इस नियम के ऊपर चलते थे। तो परमेश्वर ने कान क्यों बनाया, उस फोटो को देखेंगे। परमेश्वर ने कान गर्भ के जैसा क्यों दिया है, जबकि सुनाने, जो सुनने वाली चीज है वो तो अंदर है, कान का पर्दा तो अंदर है। लोग बोलते जी मेरे थप्पड़ मारा किसी ने, कान का पर्दा फट गया, अब सुनता नहीं। अगर इस कान से सुना जाता तो ये फटता तो कान नहीं सुनता, पर अंदर का पर्दा फटता है तो कान नहीं सुनता, क्योंकि ये परमेश्वर ने गर्भ के जैसा बनाया है, ताकि जो कुछ तुम अंदर लोगे, गाने, गालियां, संसारिक चीजें, किस दोस्त के साथ आप बैठ रहे हो,
ऐसा दोस्त जो आपके साथ जब बैठता है, जब आप उठते हैं तो आपका विश्वास कम हुआ होता है, वो आपके अंदर नेगेटिव चीजें डालता है, ओ ठीक है चर्च, ओ कदी कदी चल जाया कर, उन लोगों ने भी बना के रखनी है, ओ ले एक ही चर्च है जी सारे लोगों का वखरा ही कर दें और आप थोड़ी इतना। आप क्या सुनते हैं मायने रखता है। आप अगर नेगेटिव सुनेंगे और उस नेगेटिव को कैंसिल नहीं करेंगे, आपने मान लिया कुछ नेगेटिव सुना और आपको मालूम नहीं है कि उसे कैंसिल करना है, उसे रिजेक्ट करना है, ऐसे लोगों के पास नेक्स्ट टाइम मत बैठें जहां बैठने पर आपका विश्वास कमजोर होता है। अगर वो रिश्तेदार है त्याग दें कुछ सालों के लिए उसे, कुछ महीनों के लिए त्याग दें। वो दोस्त जो मैंने 2007-08 में त्याग दिए, 15-16 साल बाद मुझे मिलते हैं आज, लेकिन आज मेरी बातों का असर उन पे होता है, उनकी बातों का असर मेरे पे नहीं होता। क्यों? एक समय था, एक समय था। अगर क्रिश्चियन होने के बाद भी अगर मैं उनके साथ रहता तो हो सकता उनकी बातों का असर मुझ पे होता। जब मैंने अपनी 10th को कंप्लीट किया था तो मेरे कई नए दोस्त स्कूल से बाहर बने थे, और उसमें से एक दोस्त मेरा ऐसा था जिसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव था। मोस्टली मेरा प्रभाव मेरी टीम पर, मेरे लोगों पर होता था, लेकिन एक दोस्त ऐसा था जिसका प्रभाव मुझ पर होता था, जो मुझे प्रभावी लगता था। अगर वो मेरी लाइफ में होता क्रिश्चियन बनने के दौरान, मैं आपको बता देता हूं, अगर वो मुझसे कहता तो हो सकता मेरा विश्वास वो ना होता, क्योंकि मसीह में आने के बाद बहुत सी दिक्कतें मुझे हुई। मेरी फैमिली ने मुझे त्यागा, छोड़ा, लोगों ने मुझे डांटा, रिश्तेदारों ने मेरी डांट लगाई, मुझे मेंटली बहुत सा डिस्टर्बेंस पैदा करने की मेरी लाइफ में कोशिश हुई। शैतान ने डिस्टर्ब अलग किया, बीमारियों ने अलग किया, लोगों ने अलग किया, पर मसीह में आने के कुछ महीने पहले ही वो दोस्त को परमेश्वर ने मेरी लाइफ से दूर कर दिया था। और अब तब मुझे मालूम हुआ कि इतनी स्टूपिड सी चीज के ऊपर हम कभी भी अलग नहीं हो सकते थे, लेकिन हम हुए। लेकिन कुछ साल पहले हमारा फिर मेल मिलाप हुआ। आज मेरी बातों का असर उस पर होता है, उसकी एक भी बात का असर मेरे पे नहीं होता। टाइम होता है, एक समय होता है, खुदावंद आपकी बोलता है सहेली छोड़ दे मेरी बेटी, अपने दोस्त को मेरे बेटे छोड़ दे, अपने इस रिश्तेदार को छोड़ दे, कुछ साल के लिए अलग हो जा, अपनी लाइफ बना, अपना कैरियर बना। अरे यूपीएससी एग्जाम में भी, संसारिक सफलता लेने के लिए भी बच्चे जो हैं कुछ देर के लिए अलग हो जाते हैं। माता पिता अपने शहर को छोड़ के बच्चों के साथ दिल्ली चले जाते हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए। एक संसारिक आदमी को मालूम है संसारिक दृष्टि में कामयाब होने के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा, और आत्मिक लोग इतने मूर्ख और इतने अंधे और इतने बहरे और गूंगे हैं कि वो त्याग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उन्हें कोई त्याग करने की जरूरत नहीं, घर में बार बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में शराब पियो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसी भी संगति करो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, चर्च भी जाओ उधर भी जाओ, जब उनका प्रोग्राम आता है उस धर्म का आता है उधर भी जाओ, सब जगह जाओ। इसीलिए तो आप यहां बैठे हो जहां आपको नहीं होना चाहिए, कि 10 साल से नाम ठेकेदार है लेकिन ठेका कोई नहीं है। आपको, आप वहां बैठे हो जहां आपको नहीं होना चाहिए। आपको फलवंत होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बढ़े क्यों नहीं? क्योंकि क्रिश्चियन व्यक्ति के बारे में बाइबल कहती है कि नमक का स्वाद अगर बिगड़ गया तो वो किसी काम का नहीं। दूसरा बंदा पापी हो सकता है शारीरिक रीति से कामयाब हो जाए, लेकिन क्रिश्चियन अगर खुदा से दूर होगा तो धक्के खाएगा और पैरों के नीचे आएगा, वचन कहता है, क्योंकि तुम सच्चाई को जानते हो, तुम्हारा न्याय अलग रीति से होता है। दूसरा गाने सुन के कामयाब हो सकता है संसारिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से वो भी एक नाकामयाब व्यक्ति है, लेकिन तुम शारीरिक और मानसिक और आत्मिक सब दृष्टि में नाकामयाब हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा न्याय अलग रीति से होता है। तुम प्रभु के लोग हो, तुम वचन जानते हो, सच्चाई जानते हो, तुम जानते हो तुम उजाले में हो, तुमने उजाले का स्वाद चखा है, तुम परमेश्वर को जानते हो। जब सुबह अपने कानों में कंघी, जब अपने बालों में कंघी करने के लिए उठोगे तो अपने कानों पे ध्यान देना और सोचना कि आज मुझे क्या सुनना है, इस गर्भ के अंदर मुझे क्या लेके जाना है, अच्छा बीज या बुरा बीज। अच्छा बीज लेके जाऊंगा तो अच्छा फल लाएगा, बुरा बीज दूंगा तो बुरा फल आएगा। जमीन नहीं देखती, अब आम बोदोगे भी आम उगा देगी, अब डोडे बोदोगे डोडे उगा देगी, अब कांटे बोदोगे कैक्टस उगा देगी। जमीन नहीं देखती, जमीन बोलती मुझे बीज दे मैं तुझे उगा दूंगी,
कान भी जीवन भी देखता नहीं क्या अच्छा है या बुरा है, वो तुम्हारा डिसीजन है, वो पावर तुम्हारे पास है, अंगों के पास नहीं है। जमीन के पास उगाने की पावर है, तुम्हारे अंदर उगाने की पावर है, लेकिन उगाना क्या है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया बोलो। बाइबल कहती अवसर को बहुमूल्य समझो और देखो तुम्हारे अंदर क्या जाना चाहिए, अच्छा या बुरा। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।